हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नेहा अग्रता रेसिपीज। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हमारी लस्सी की एक क्विक एंड डिफरेंट यमी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए कर्ड, हमारा दही, ये मैंने घर का जमा हुआ हमारा 2 ग्लास दही है, और इसके साथ ही अब लेंगे हमारा शुगर पाउडर, ये मैंने लिया है 3 से 4 स्पून शुगर पाउडर। इसके साथ ही कुछ ऑलमंड्स को मैंने स्प्लिट कर लिया है, 3 से 4 इलायची लिया है हमने, और लिया है हमने हमारा रूह अफ़ज़ा वो भी से 3 स्पून, और 1 स्पून लिया है हमने रोज़ वाटर। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हम लेंगे हमारा एक मिक्सर जार। इस मिक्सर जार में अब हम डालेंगे हमारा कर्ड। अभी हम हमारा सारा कर्ड नहीं डालेंगे, हम इसमें 1/2 ग्लास कर्ड डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर हमने लिया था 1 स्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा शुगर पाउडर 3 से 4 स्पून, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हैं। अब हम लेंगे हमारा इलायची, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर हमारा 3-4 इलायची के दाने। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे ग्राइंड करना है बहुत अच्छे से। देखिए, ये ग्राइंड मैंने कर लिया है, इसको हमने अच्छे से, इसमें शुगर पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम हमारा बाकी बचा हुआ दही जो है वो इसमें डालेंगे, और उसको डालने के बाद फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस 2-3 सेकेंड के लिए हम मिक्सर ऑन करेंगे और बंद कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लस्सी एकदम तैयार हो चुकी है, अब हम उसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए देखिए, मैंने लिया है ये रूह अफ़ज़ा को हम इस तरह से स्पून में लेने के बाद हम अपने ग्लास के अपर साइड पे हम कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे। अगर आप रूह अफ़ज़ा लस्सी नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सो इसी तरह से हम हमारे बाकी के ग्लासेस पे भी इसे लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आइस क्यूब्स का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो मेरा दही है वो ऑलरेडी बहुत ठंडा था। सो अगर आप ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं तो आप अपने ग्लासेस में 2-3 आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप लस्सी को ऐड कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए ये डिज़ाइन कितना सुंदर इसमें बना है, और जो एक इसमें रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर आएगा लस्सी का, वो भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारी लस्सी। सो देखिए, इसमें हमारे बहुत अच्छे से ऊपर झाग बन चुके हैं लस्सी में, और देखिए अब हम इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो स्प्लिट ऑलमंड्स हैं। आप और भी अगर कोई और ड्राई फ्रूट्स इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, जैसे लाइक चिरौंजी, काजू आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ ऑलमंड्स को ऐड कर रही हूँ, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं करना चाहते तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये लस्सी एकदम बन चुकी है, यम्मी टेस्टी एंड थिक लस्सी हमारी बन करके तैयार हुई है। सो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए इस तरह से अपनी लस्सी को इस क्विक रेसिपी से। सो फ्रेंड्स, ये समर की बेस्ट ड्रिंक है, ये हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी स्किन को अच्छा करती है, और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है। सो ट्राई इट, एंजॉय इट, थैंक यू।